और आज के कार्यक्रम में आए हुए मेरे गुर्जर बकरवाल और प्यारे पहाड़ी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज की ये रैली आपके मोदी मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो पीर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, आज सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम करके धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये जनता लेट कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी ये धूप में कड़ी धूप में हैंगर के पार मकानों पर दीवारों पर जहां पर भी नजर पड़ती है लोग ही लोग नजर आते हैं। मोदी जी के प्रति आपका जो ये प्यार है, मोदी जी के प्रति आपका ये जो विश्वास है, मैं मन से दिल से कहता हूं हम लोगों का कश्मीर और जम्मू के लिए और विशेषकर पूंछ और रजौरी के लिए ज्यादा काम करने का उत्साह बढ़ाता है। मित्रों, उत्साह आज मैं जम्मू क्षेत्र में हूं, जम्मू में भी पूंछ और रजौरी के क्षेत्र में आया हूं। ये महाभारत कालीन पहाड़ियां ये भारत की सीमाओं का मजबूत द्वार है, मजबूत द्वार है। आज मैं मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों माताओं को गुर्जर बकरवाल समुदाय को दो हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवाल बनकर खड़े रहे, आने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरे देश भर में शहीद सेना के जवानों को सिविलियन मतलब हम सब लोग सलामी करते हैं, मगर पूरे देश में एकमात्र क्षेत्र यह है पूंछ और रजौरी का जहां सिविलियन जो शहीद हुए हैं उसको भारत की सेना सलाम करती है। मित्रों, भारत की सेना सलाम। आपने भारत की सुरक्षा का एक अभेद दीवार यहां पर बनाया हुआ है और इसके कारण देश भर के भारतीय आपके भरोसे चैन की नींद सो पाते। माताओं, भाइयों, बहनों, आज में नवरात्र है, अंतिम दिन है, माता वैष्णो का दर्शन कर खुशहाल कश्मीर का आशीर्वाद मांग कर यहां आया हूं। मित्रों, खुशहाल कश्मीर। मैं मनोज जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, 1947 से देश आजाद हो गया मगर महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मनाई जाती थी। बताओ मुझे, मनाई जाती थी भाई? मनाई जाती थी? मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर उनका जो योगदान है उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मित्रों, मैं आज जब यहां आया हूं तब वीर बंदा बहादुर को भी याद करना चाहता हूं, ये उन्हीं की जन्मभूमि है और
आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि गुर्जर, बकरवाल और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। मैं आगे इसकी बात बताऊंगा। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया, लोकतंत्र था, आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे पक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बदली, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास। मित्रों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35 से उखाड़ कर फेंक। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एमजी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। ये लोग जो हाय तोबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती है। मैं आज के लिए आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है, अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचा है। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार, इसमें 8 लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया,
मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया और अब हमारी पहाड़ियों की है।